हेलो हाय हाउ आर यू, सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल आप सब लोगों के? होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज है 29 तारीख और एक दिन रह गया है फ्लाइट के लिए, और आज मैं जा रहा हूँ कोविड टेस्ट कराने। एयरपोर्ट पे मैंने बुकिंग कराई थी कोविड की, और मैं जाऊँगा बाय मेट्रो। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि एयरपोर्ट पे कोविड की जो प्रोसीजर है वो कैसा है। और भाई मेट्रो लाइन पे पहुँच गया हूँ, और ये मैंने मजेंटा लाइन पकड़ी नहीं है, मजेंटा लाइन की तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल खाली है मेट्रो स्टेशन। अभी हमारी मेट्रो में 5-6 मिनट हैं, सिर्फ 4 जने खड़े हैं टोटल मेट्रो के लिए, दो पीछे खड़े हैं। टाइम हो रहा है भाई 10:30 का, 10:36 हो रहे हैं सुबह के, और 12 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है एयरपोर्ट पे कोविड टेस्ट के लिए। थोड़ी सी घबराहट जरूर हो रही है, मगर गॉड इज ग्रेट, सब कुछ अच्छा ही होगा। भाई लोग थोड़ी सी गलती होगी क्योंकि हम पहुंचे टर्मिनल 1 पर और हमने जाना था टर्मिनल 3 पे। हमें लगा था कि हम 2 पे नहीं है, 3 पे है वो। टर्मिनल 1 से कोई हमें और चीज़ मिल जाएगी, मगर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो हमें दोबारा एक कैब करके टर्मिनल 3 पे जाना पड़ रहा है। यार हो जाती है यार कभी कभी गलती, ज़्यादा पैसे बचाने के चक्कर में ना कभी कभी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। कुछ खास नहीं, यहाँ से 100 रुपये लिया टैक्सी वाले ने, और वो हमें अब T3 पे उतार देगा, फिर हम वहाँ पे टेस्ट कराएंगे और वहीं से फिर दोबारा कैब बुक करा के वापस घर आएंगे। हाँ जी भाई, मैं ना एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे पहुँच गया था, और जब मैंने ऑनलाइन बुकिंग कराई है ना, मैं आपको एक बार ऑनलाइन बुकिंग की ना लाइन दिखा देता हूँ। ये ऑनलाइन बुकिंग की लाइन है, और जो कैश है ना भाई, कैश में बड़ी मुश्किल से 10 बंदे खड़े हुए हैं, और जो ऑनलाइन बुकिंग है उसके अंदर कम से कम 50 बंदों की लाइन लगी हुई है। अपॉइंटमेंट होने के बावजूद भी हमारा ये हाल है, इतनी बड़ी लाइन के पीछे आके खड़ा होना पड़ रहा है। कोई प्रोसीजर नहीं है, आप आओ कैश कराओ, ज़्यादा बेटर है। मुझे लगा था कि ऑनलाइन पहले हम करा देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ जाएगा उससे, मगर नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। हमारा जो हिसाब किताब है ना वो ऐसा है भाई। भीड़ काफ़ी है एयरपोर्ट पे, और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। हम क्यू में लग गए हैं करीबन नाना करते करते भी 35 से 40 लोग खड़े हुए हैं मेरे आगे, और मेरा 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, अभी 11:30 हैं, हो सकता है 12 बजे तक नंबर आ जाए। बट लाइन लगी है, अपॉइंटमेंट वाला कोई सीन नहीं है कि आपने क्यू में आना है, आपका अपॉइंटमेंट है तो आप 12 बजे आके करेंगे। और मैं भी आपको कैश वाली लाइन दिखाता हूँ भाई, ये है अपॉइंटमेंट वाली लाइन, ये सारी अपॉइंटमेंट वाली लाइन है भाई। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, थैंक यू, ये सारी अपॉइंटमेंट वाली लाइन है। और अब हम इधर आ जाते हैं, ये कैश की लाइन है, करीबन बड़ी मुश्किल से 20-21 जने यहाँ पे खड़े हैं कैश वाली लाइन में, जिन्होंने अपॉइंटमेंट करा रखी है पहले। भाई ये कैश की लाइन है ना, ये भी अपॉइंटमेंट वाली है, ये कैश है, यहाँ से कैश का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उधर आप सेकंड वाली लाइन में जाके अपना टेस्ट कराएंगे। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लेकर हम पहुँच रहे हैं पीछे तक। ये है जी ऑनलाइन क्यू। तो भाई ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है कैश दो और काम कराओ। सो फाइनली मेरा नंबर आ गया, मॉस्को लिखा हुआ फॉर्म पे सब कुछ, फ्लाइट भी लिखी हुई है।
सेल्फ रिटेशन फॉर्म के बाद भी ये लोग पूछ रहे हैं कि जाना कहाँ, जबकि मैंने फॉर्म अपना फॉर्म जो है उसको सब कुछ फिल कर रखा है कार्ड के पास। भाई हो गया है, अब टेस्ट कराने जा रहा हूँ। सर भाई रजिस्ट्रेशन हो गया, अब ये काउंटर है इस पर मैं अभी टेस्ट कराऊंगा। सब कुछ हो गया है, बस टेस्ट कराना बाकी है। भाई करवा रहा हूँ टेस्ट। गया जी, फाइनली टेस्ट हो गया। ओके भाई टेस्ट हो गया। अभी भी ऑनलाइन की जो क्यू है वो काफ़ी बड़ी है भाई। चाहे ऑनलाइन कराओ चाहे ऑफलाइन कराओ चाहे कैश आके कराओ, कोई वो नहीं है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप आओ और करवाओ। अब होप टेस्ट की रिपोर्ट सही आ जाए, फिर टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आने पे भाई मैं आपको बताऊंगा। और कल मेरी फ्लाइट है, होप भगवान करे तो हम लोग मास्को जरूर में घुमाएंगे और मैं खुद घूम के आऊँगा। ठीक है भाई। भाई टेस्ट हो गया, अब दोबारा बाय मेट्रो हम जा रहे हैं। पहले हमने गलत मेट्रो ले ली थी, हमने जनकपुर से ली थी, अब हम T3 के नीचे से ही मेट्रो लेंगे। भाई ऐसा है, अगर आप T3 बाय मेट्रो आना चाहते हो तो मैं आपको जो है वो सीधा वे बताता हूँ। पहले मैंने गलत मेट्रो पकड़ ली थी, आप द्वारिका सेक्टर 21 आएँ। अगर आप वेस्ट दिल्ली में हैं तो आप द्वारिका सेक्टर 21 आएँ और सेक्टर 21 से T3 की आपको जो है वो ट्रेन मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप धोला कुआँ से भी आएँ और धोला कुआँ से भी आपको T3 के लिए जो है वो मेट्रो मिल जाएगी। तो पहले मुझसे गलती हो गई थी यार, मैंने जो है वो वहाँ से पकड़ ली थी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से। तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि T3 से सेक्टर 21 जाऊँगा द्वारका, जहाँ से मेट्रो बन के चलती है येलो लाइन, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से सेक्टर 21 से पकड़ के मैं पहुँचूँगा डिस्ट्रिक्ट सेंटर। चलिए भाई कोविड टेस्ट हो गया है, मिलते हैं फिर आपसे, मैं आगे आपको बताऊँगा।